महीना हो गया ऑनलाइन किया हुआ सर, अभी तक कहाँ मिलने दिया जा रहा है सर? आगे पे आत्मदाह करूंगा सर, इसके लिए डीएम महोदय को सूचना कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल भारद्वाज और आप देख रहे हैं दस न्यूज। आज सोमवार है और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार जनता की फरियादों को सुनने के लिए सज चुका है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर बैठकर जनता की फरियादों को सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो बैरिकेडिंग लगाकर जो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर दी गई हैं और पूरे तरीके से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है जहाँ तमाम जो फरियादी आ रहे हैं या फिर जो लोग आ रहे हैं वो जो सवाल जवाब हैं उनके मन में वो वहाँ पर अपना क्लियर कर सकते हैं। देखिए कि काफ़ी संख्या में जो लोगों की भीड़ है वो कंट्रोल रूम में जो अधिकारी हैं उनसे वो अपने मन की जो शंका है उसको क्लियर कर रहे हैं, लेकिन तमाम प्रचार प्रसार के बावजूद भी जो लोग हैं वो बाहर बैठे रह जाते हैं और मुख्यमंत्री जनता दरबार में नहीं आ पाते हैं। क्या कुछ बात है जिस वजह से वो मुख्यमंत्री जनता दरबार में नहीं पहुंच पाते हैं उसको लेकर हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मामला है जिस वजह से वो जनता दरबार में नहीं पहुँच पाते हैं। लोगों से ही बात करेंगे कि क्या परेशानी है उनकी, क्या है। अब जनता दरबार में मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं लेकिन बाहर खड़े हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या परेशानी है? मैं औरंगाबाद जिला से आया हूँ सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार हुआ सर और मदनपुर प्रखंड हुआ पिरमा पंचायत का सर रहने वाले हैं सर। हमारे पंचायत में 1 करोड़ रुपया का ज़्यादा का सर गबन है और धरातल पर एक भी कार्य योजना सर नहीं है। डीएम महोदय को 5 बार आवेदन उनके हाथ में जाके दिए हैं, DDC को दिए हैं, DPRO महोदय को दिए हैं, बाकी किसी ने सर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि चलो अपना काम धाम देखो, इस सब के चक्कर में मत पड़ो, ये सब क्या है चक्कर में पड़ा हुआ है तुम, ऐसा ऐसा तो बात बोलते हैं। जबकि यहाँ 1 करोड़ का मामला है सर, वो यहाँ बोल रहे हैं कि तुम अपना काम धाम देखो। आखिर क्यों काम धाम देखें, हम पैसा लूटने दें? मुखिया द्वारा चुनाव लड़ा रहा है, इसी पैसा से चुनाव लड़ा जा रहा है सर, जबकि धरातल पर एक भी कार्य नहीं है। और बैंक का स्टेटमेंट मेरे पास में है, ऑनलाइन पूरा फाइल निकाले हैं, सूचना पत्र मांगे हैं, सारी चीज़ मेरे पास में है सर, बाकी धरातल पर काज नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया? नहीं सर, 3 महीना हो गया ऑनलाइन किया हुआ सर, बाकी अभी तक कहाँ मिलने दिया जा रहा है सर? आगे क्या करेंगे कदम? आगे मैं आत्मदाह करूंगा सर, इसके लिए डीएम महोदय को सूचना कर दिए हैं सर। आत्मदाह करने से बात नहीं रहेंगे? नहीं सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे सर, क्या करेंगे? मैं हार था कि मैं गलत कदम उठा रहा हूँ, कोई रास्ता ही नहीं है सर। अगर न्याय मिलता तो यहाँ चक्कर काटने की क्या जरूरत है सर, घर पर रहते ना सर, बाकी उसका कोई मामला नहीं हो रहा है सर, तो क्या करें, आत्मदाह करेंगे सर। अब देखना है कि लोग इतना परेशान है कि आत्मदाह करने को तैयार हो गया, और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ बात है। मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, क्या मामला है? मामला छ कि हमारो जमीन जो है पैसा खसरों में तो वो कहे कि हमारो जमीन छे आर ओ 10 मोटरसाइकिल लागी जाए छे, ओकरो 20 आदमी आबे छे आर ओ गांजा दारू बैठी के पिए छे आर ओ हमरा पर लड़ाई करे छे। एगो सातपुर के आबे छे 2-3 गो, अनहार के आबे छे राजेश ज्यादा। कहीं गई थी शिकायत करने? आए कहीं शिकायत की है? नहीं, सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंची है। हाँ, आरो अथी कोर्ट में अथी कर ले छे, केस कर ले छे, अभी नोटिस नहीं गेलो छे, नोटिस आब जेते बंद हो गेलो दशहरा के। विवेका सिंह ने जमीन ले ले छले दूसरा के खरीद ले छले जोगी बाबू के, किशोर राम किशोर बाबू के, आ वो कहे छे कि नहीं तोरो जमीन खरीद ले छिए, बोलो आयो लो जे कहूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं और जो जमीन विवाद का मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो मंत्री है राम सूरत राय वो कह रहे हैं कि हम तमाम नियम कानून ला रहे हैं जिससे जमीन विवाद थमेगा, लेकिन जमीन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ज़्यादातर जो मामले मुख्यमंत्री जनता दरबार में हम लगातार आपको बता रहे हैं वो जमीन विवाद के यहाँ रहे। सी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहे दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहे दैनिक न्यूज़।